नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मानचित्र के बारे में, जो आपका मानचित्र का पार्ट है विश्व भूगोल का, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में बात किए थे एशिया के देश और उनकी राजधानियां, आज बात करेंगे यूरोप के देश और उनकी राजधानियों के बारे में। बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग देखेंगे मानचित्र के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मैप्स में आपका यूरोप कहाँ है आखिर। तो ये है आपका एशिया, रूस से लेकर यहाँ भारत पूरा एशिया है, ये आपका यूरोप है। कहाँ है? ये है यूरोप। ये अफ्रीका है, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को देख चुके हैं, दक्षिणी अमेरिका को देख चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप को देख चुके हैं, और आपका एशिया भी देख चुके हैं। यूरोप बचा हुआ था, तो यूरोप इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया आपका अगली क्लास में। ऑस्ट्रेलिया को समाप्त करने के बाद आपका विश्व का जो भी पार्ट है भूगोल में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप में आपका याद रखिए कुछ देश ऐसे भी हैं जो आपके यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं, जैसे आपका रूस हो गया इसमें और तुर्की हो गया। यहाँ आपका साइप्रस है, कहाँ है साइप्रस? ये आपका साइप्रस, ये भी यूरोप में ही आता है। फिर आपका यहाँ बुल्गारिया हो गया, ग्रीस, रोमानिया, इटली, फ्रांस, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस हो ही गया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ तक आपका यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, या आपका आइसलैंड भी आपका यूरोप का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा यूरोप, यहाँ से लेकर पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, तुर्की। तुर्की एशिया में भी है आपका और यूरोप में भी है। चलिए तो हम लोग एक बार अच्छे से मैप्स में देखते हैं अपने मैप्स में। ये आपका रूस हो गया, रूस भी आपका यूरोप में आता है और एशिया में। ये आपका तुर्की हो गया, क्रीमिया हो गया, मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, इस्तोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है। ये आपका नॉर्वे है, सेल्ट लैंड द्वीप, फारूआइस, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, नीदरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, कोसोवो, साइप्रस, माल्टा, मैसेडोनिया, अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, इटली, मोंटीनीग्रो, ग्रो, कोर्सिका, सार्डिनिया, स्पेन और पुर्तगाल। ये हैं आपके सभी यूरोप के देश। इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी यूरोप के बारे में बता दें, तो इसकी अवस्थिति है जो ये उत्तरी गोलार्ध में, यूरोप आपका कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 34 डिग्री 51 मिनट उत्तर से लेकर 81 डिग्री 47 मिनट उत्तर तक है इसकी स्थिति। कितना? 34 डिग्री 51 उत्तर से लेकर 81 डिग्री 47 उत्तर तक। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 33 मिनट से पश्चिम से 69 डिग्री 03 मिनट पूर्व तक। 24 डिग्री 33 से लेकर पश्चिम से 69 डिग्री 03 पूर्व तक। क्षेत्रफल की बात करें तो 9.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यूरोप का क्षेत्रफल कितना है?
9.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उत्तरतम बिंदु किसकी बात करें तो इसका उत्तरतम बिंदु है आस्ट्रो रोडोल्फा 81 डिग्री 47 मिनट, यह है आपका रूस में। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो गाओ दोस, यह आपका ग्रीस में 34 डिग्री 51। पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें तो नोवाया जेमल्या में, यह आपका है पश्चिम रूस में 69 डिग्री 03। पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो यह आपका जागतिगर यह आपका आइसलैंड में, कहाँ है आइसलैंड में 24 डिग्री 33 पश्चिम। उच्चतम बिंदु की बात करें तो एल्बर्स रूसी संघ में है, इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। निम्नतम बिंदु की बात करें तो कैस्पियन गर्त है रूसी संघ में, समुद्र तल से 28 मीटर नीचे है। इसके स्थल रुद्ध देशों की बात करें तो इसमें आपका आर्मेनिया अजरबैजान वेटिकन सिटी सान मेरिनो स्विट्जरलैंड स्लोवाकिया सर्बिया मैसिडोनिया मालडोवा लग्जमबर्ग लीचेस्टिन हंगरी चेक गणराज ऑस्ट्रिया बेलारूस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूरोप के देश, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी देख लेते हैं। यूरोप में पहला देश है आपका अल्बानिया, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी तिराना। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 28 नवंबर 1912 को ऑटोमन साम्राज्य से पृथक करके। यहाँ की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, भाषा है अल्बानियाई, आधिकारिक भाषा है ग्रीक और रोमानी भी यहाँ की भाषा है। मुद्रा है लेक और कुल क्षेत्रफल है 28,748 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ग्रीस मैसिडोनिया मोंटेनेग्रो सर्बिया। प्रमुख शहर है तिराना सिकोदर अलबसान। धर्म है मुस्लिम अल्बानिया यही रूढ़िवादी और ईसाई। अगला देश है आपका एंडोरा, एंडोरा इसकी राजधानी है एंडोरा ला वेला। स्वतंत्रता मिली 1278 में, यहाँ की शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है कैटालियन आधिकारिक भाषा है, फ्रेंच और पुर्तगाल भाषा भी उपयोग की जाती है। मुद्रा है यूरो, कुल क्षेत्रफल है 468 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है फ्रांस स्पेन। प्रमुख शहर है एंडोरा ला विला इनकैम लेस स्कार्ड्स। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, कौन सा देश ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी है वेना। स्वतंत्रता मिली से 12 नवंबर 1918 को गणराज्य की स्थापना की गई। शासन प्रणाली है यहाँ की संघीय गणराज्य। भाषा है जर्मन, आधिकारिक भाषा है जर्मन, क्रोएशियाई तुर्क भाषा भी बोली जाती है। मुद्रा है यूरो, क्षेत्रफल है 83,870 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं चेक गणराज्य जर्मनी हंगरी इटली स्लोवाकिया स्लोवेनिया स्विट्जरलैंड। प्रमुख शहर हैं वेना इंस ब्रेक सल्जबर्ग। धर्म है ईसाई और मुस्लिम। अगला देश है आपका बेलारूस, क्या है बेलारूस, इसकी राजधानी है आपकी मिन्स्क। स्वतंत्रता मिली 25 अगस्त 1991 को सोवियत गणराज्य से पृथक करके। शासन है यहाँ का प्रणाली तानाशाही, शासन प्रणाली कैसी है तानाशाही। प्रमुख भाषा है बेलारूसी और रूसी, भाषा है रूबल। क्षेत्रफल है 2,07,600 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं लाटविया लिथुआनिया पोलैंड रूस यूक्रेन। प्रमुख शहर है मिन्स्क ओरसा होम एल। धर्म है ईसाई। अगला देश है हमारा बेल्जियम, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। स्वतंत्रता मिली से 4 अक्टूबर 1830 को नीदरलैंड से पृथक करके। शासन प्रणाली यहाँ की है संविधानिक राजशाही के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र। भाषा है डच फ्रेंच जर्मन, ये तीनों भाषाएं आपकी आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है यूरो, क्षेत्रफल है 30,528 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं फ्रांस जर्मनी लग्जमबर्ग नीदरलैंड। प्रमुख शहर ब्रुसेल्स मॉन्स नागुर
ओस्टेंड, धर्म है ईसाई। बांग्लादेश है आपका यूरोप में, बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी राजधानी है साराजेवियो। स्वतंत्रता मिली 3 मार्च 1992 को, यूगोस्लाविया से पृथक करके। शासन प्रणाली है यहाँ की लोकतांत्रिक गणराज्य में, परिवर्तनशील। भाषा है बोरेनियाई, क्वेशियाई और सर्बियाई। मुद्रा है कन्वर्टिबल मार्क। कुल क्षेत्रफल है 51,129 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है क्वेशिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया। प्रमुख शहर है साराजियो, बंजा लुका, जेनिका, मोस्टर। धर्म है मुस्लिम, स्थानीय रूढ़िवादी और ईसाई। बांग्लादेश है हमारा यूरोप में, बुल्गारिया, इसकी राजधानी है सोफिया, सोफिया। स्वतंत्रता मिली इसे 22 सितंबर 1908 को, ऑटोमन साम्राज्य से पृथक करके। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है बुल्गारियाई तुर्क। मुद्रा है लेव। कुल क्षेत्रफल है इसका 1,10,910 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है ग्रीस, मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, तुर्की। प्रमुख शहर है सोफिया, डोबरिच, वारना, फिलोवडीयू। धर्म है स्थानीय रूढ़िवादी और मुस्लिम। ठीक है, बांग्लादेश है हमारा क्वेशिया, इसकी राजधानी है जागरेब और स्वतंत्रता मिली से 25 जून 1991 को, यूगो स्लाविया। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है क्वेशियाई। मुद्रा है क्यूना। कुल क्षेत्रफल है 56,542 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं बोस्निया, हंगरी, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया। प्रमुख शहर हैं जागरेब, सिसाक, ओसिजेक, स्प्लिट। धर्म है ईसाई। बांग्लादेश है आपका चेक गणराज्य, इसकी राजधानी है प्रयाग। क्या है? प्रयाग। स्वतंत्रता मिली 1 जनवरी 1993 को, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से पृथक होने के बाद। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है चेक स्लोवाक। मुद्रा है कोरोना कोरोना। कुल क्षेत्रफल है 78,866 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया। प्रमुख शहर है ओस्टावा, लेबेरिक, ब्रनो, प्याग। धर्म है यहाँ का ईसाई। अगला देश हमारा यूरोप का डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन। स्वतंत्रता मिली 1849 में। शासन प्रणाली है संविधानिक राजशाही। भाषा है दानिश। मुद्रा है क्रोन। कुल क्षेत्रफल है 43,094 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है जर्मनी। प्रमुख शहर रेंडर्स, कोल्डिंग, कोपेनहेगन। धर्म है लूथर मतावलंबी। अगला देश है आपका एस्टोनिया, इसकी राजधानी है तालिन। स्वतंत्रता मिली से 20 अगस्त 1991, सोवियत संघ के पृथक करके। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा एस्टोनियाई, आधिकारिक और रूसी है। मुद्रा है की क्रोन। क्षेत्रफल है इसका 45,226 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देश हैं लाटविया और रूस। प्रमुख शहर हैं तल्लिन, तार्टू, नारवा। धर्म है लूथर मतावलंबी और ईसाई। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में अगला देश है आपका फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी। इसे स्वतंत्रता मिली 6 दिसंबर 1917 को, रूस से पृथक करके। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है फिनिश, स्वीडिश, दोनों आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है यूरो। कुल क्षेत्रफल है इसका 338,145 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है नॉर्वे, स्वीडन, रूस। प्रमुख शहर है हेलसिंकी, लहती, तुर्क, कोतका। धर्म है लूथर मतावलंबी। अगला देश है आपका फ्रांस। कौन सा? फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है फ्रेंच। मुद्रा है यूरो। क्षेत्रफल है 6,43,427 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है एंडोरा, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, मोनाको, स्पेन, स्विट्जरलैंड। प्रमुख शहर है पेरिस, स्ट्रासबर्ग, अर्लियंस और बेस्ट। धर्म है ईसाई मुस्लिम। अगला
अंग्लादेश है हमारा जर्मनी, इसकी राजधानी है बर्लिन। स्वतंत्रता मिली 18 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य एकीकरण के बाद। शासन प्रणाली है संघीय लोकतंत्र, भाषा है जर्मन, मुद्रा है यूरो, कुल क्षेत्रफल है 357.021 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड। प्रमुख शहर हैं बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, हेमबर्ग। धर्म है ईसाई। अंग्लादेश है आपका ग्रीस, यूनान। इसकी राजधानी है एंथेंस। स्वतंत्रता मिली 1829 में ऑटोमन साम्राज्य से पृथक होने के बाद। शासन प्रणाली यहाँ की संसदीय लोकतंत्र, भाषा है ग्रीक, मुद्रा है यूरो, क्षेत्रफल है 1,31,940 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया। प्रमुख शहर है एंथेंस, पेट्रास, लेरिसा, बोलोस। धर्म है ग्रीक, परंपरावादी। ठीक है, अंग्लादेश है आपका यूरोप में हंगरी। कौन सा है? हंगरी। हंगरी की राजधानी हो गई आपकी बुडापेस्ट। स्वतंत्रता मिली 1001 में किंग स्टीफन प्रथम द्वारा स्थापित। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, भाषा है हंगेरियन, मुद्रा है फॉरेस्ट फॉरिट, कुल क्षेत्रफल है 93,030 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूक्रेन। प्रमुख शहर हैं बुडापेस्ट, मैस्कोलक, डेवरीसिन। धर्म है ईसाई यहाँ का। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में आपका अगला देश है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेगजाविक। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 17 जून 1944 को डेनमार्क से पृथक करके। यहाँ की शासन प्रणाली है संवैधानिक गणतंत्र और भाषा है आइस लैंडिक और अंग्रेजी। मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। और जो यहाँ का क्षेत्रफल है वो है आपका 1,03,000 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसके चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। प्रमुख शहर है आपके रेगजाविक, होसावी, कैफलावी। धर्म है यहाँ का लूथर मतावलंबी। यूरोप महाद्वीप में अगला देश है आपका आयरलैंड। इसकी राजधानी है डबलिन। स्वतंत्रता मिली 6 दिसंबर 1921 यानी कि 6 दिसंबर 1921 को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करके। शासन प्रणाली है यहाँ की संसदीय लोकतंत्र, भाषा है अंग्रेजी आयरिश दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। मुद्रा है यूरो, क्षेत्रफल है 70,280 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं यूनाइटेड किंगडम। प्रमुख शहर हैं डबलिन, वाटरफोर्ड, लाइमरिक, कैसलवार। धर्म है ईसाई। प्रमुख अगला देश है आपका इटली। इसकी राजधानी है रोम। स्वतंत्रता मिली 17 मार्च 1861 को। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है इतालवी, आधिकारिक है जर्मन और फ्रेंच भी यहाँ के पास। मुद्रा है यूरो, क्षेत्रफल है 301,230 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस, सैन मरीनो, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड। प्रमुख शहर हैं रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, वेरिना। धर्म है यहाँ का ईसाई। याद रखिए, जो देश चर्चा में रहता है उसी के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखिए रखा करिए जब भी जो देश चर्चा में है परीक्षा के टाइम, तो उन्हीं को आप लोग याद रख लिया करिए। उन्हीं की स्थिति पूछ सकता है, उन्हीं के बारे में पूछता है, ठीक, जो थोड़ा चर्चा में रहता है। अगला देश है लाटविया। इसकी राजधानी है रीगा। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 18 नवंबर 1918 को सोवियत रूस से पृथक करके। शासन प्रणाली यहाँ की संसदीय लोकतंत्र, भाषा है लाटवियन, आधिकारिक भाषा है लाटवियन और रूसी भी है। मुद्रा है लाटवियन लाट, क्षेत्रफल है 64,589 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रूस। प्रमुख शहर हैं रीगा, बालमेरा, बैंट स्पल्स। धर्म है लूथर
मतावलंबी, ईसाई, रूसी, परंपरावादी। अगला देश है आपका लिच टेस्टेंस्टीन, इसकी राजधानी है वाडूच। स्वतंत्रता मिली 12 जुलाई 1806 में रोमन साम्राज्य से पृथक करके। यहाँ की शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही, भाषा है जर्मन, मुद्रा है स्विस फ्रैंक, कुल क्षेत्रफल है 160 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। प्रमुख शहर है आपका वाडूच, सेचान, मोरोम। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका लिथुआनिया, कौन सा है? लिथुआनिया, इसकी राजधानी है विल्नियस। स्वतंत्रता मिली से 6 सितंबर 1991 को सोवियत संघ से पृथक करके। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, भाषा है लिथुआनियाई, आधिकारिक है और रूसी भी है। मुद्रा है लिटास और क्षेत्रफल है इसका 65,200 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बेलारूस, लाटविया, पोलैंड, रूस। प्रमुख शहर है विल्नियस, मरीजाम पोल और जोनावा। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी है लग्जमबर्ग। स्वतंत्रता मिली 1839 को नीदरलैंड से पृथक करके। शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही, भाषा है लग्जमबर्गिस, राष्ट्रीय जर्मन व फ्रेंच प्रशासनिक। मुद्रा है यूरो। कुल क्षेत्रफल है 2,586 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। प्रमुख शहर है लग्जमबर्ग, डिफरडेंज, बेल्ट्स। धर्म है ईसाई। ठीक। अगला देश है आपका माल्टा, इसकी राजधानी है वलिटा। स्वतंत्रता मिली 21 सितंबर 1964 को यूनाइटेड किंगडम से पृथक कर। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है माल्टीज, अंग्रेजी दोनों आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है माल्टी लीरा। कुल क्षेत्रफल है 316 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है चारों ओर से समुद्र से घिरा देश है। प्रमुख शहर है वलिटा, रबात, बर्जबुगा। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका मालडोवा, इसकी राजधानी है चिसिनाउ। स्वतंत्रता मिली 27 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से पृथक करके। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है मोल्दोवन, आधिकारिक भाषा है, इसकी राजधानी वो मुद्रा है यहाँ की मोल्दोवन लेरू। स्वतंत्रता मिली इसे कब? 27 अगस्त 1991 को, याद रखना है। कुल क्षेत्रफल है 33,843 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है रोमानिया, यूक्रेन। प्रमुख शहर है काबुल, ब्रेसेनी, पेंडर, चिसिनाव और धर्म यहाँ का पूर्वी रूढ़िवादी। अगला देश है आपका मोनाको, इसकी राजधानी है मोनाको शहर। स्वतंत्रता मिली आपकी 1297 में। शासन प्रणाली यहाँ की संवैधानिक राजशाही, भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और इतालवी भाषा भी बोली जाती है। मुद्रा है यूरो। क्षेत्रफल है 1,95 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है फ्रांस। प्रमुख शहर है मोनाको, माटे कालू। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका मॉन्टेनेग्रो, इसकी राजधानी है पोर्ट गोरिका। कौन सी राजधानी है इसकी? पोर्ट गोरिका। ठीक है, सही है। 3 जून 2006 को सर्बिया से अलग करके इसे स्वतंत्रता मिली। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है सर्बियाई और मुद्रा है यूरो। ठीक है। अगला, इसमें कुल क्षेत्रफल है इसका 14,026 वर्ग किलोमीटर। देश है अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया। प्रमुख शहर है पोडगोरिका, बिराने, बारे, सेंटिगजे। धर्म है ईसाई मुस्लिम। अगला देश है आपका नीदरलैंड्स, हॉलैंड, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम। स्वतंत्रता मिली 26 जुलाई 1581 में। शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही, भाषा है डच, क्राइसियन दोनों आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है यूरो। कुल क्षेत्रफल है 41,526 वर्ग किलोमीटर।
पड़ोसी देश है आपका बेल्जियम, जर्मनी। प्रमुख शहर है एम स्टर्डम, है रोटरडम। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। इसकी राजधानी है वो भी ओस्लो। स्वतंत्रता मिली इसे 7 जून 1905 में। शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही। भाषा है बुकमेल नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन। ये दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं आपकी। मुद्रा है नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन क्रोन। कुल क्षेत्रफल है 323,802 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है फिनलैंड, स्वीडन और रूस। प्रमुख शहर है ओस्लो, क्रिस्टेंसेन और बोडो। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका पोलैंड। क्या है पोलैंड है? इसकी राजधानी है वार्सा। वार्सा। स्वतंत्रता मिली 11 नवंबर 1918 को। गणराज्य की स्थापना। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है पालिस, आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है जलोटी। कुल क्षेत्रफल है 312,685 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बेलारूस, चेक गणराज्य, जर्मनी, लिथुनिया, रूस, स्लोवाकिया, यूक्रेन। प्रमुख शहर है वार्सा, रोकला, लिन, पोजनारो। धर्म है ईसाई। अगला देश है हमारा पुर्तगाल। इसकी राजधानी है लिस्बन। स्वतंत्रता मिली 5 अक्टूबर 1910 को। गणतंत्र की स्थापना हुई। शासन प्रणाली है कि संसदीय लोकतंत्र। भाषा है पुर्तगाल सेरांडीज, दोनों आधिकारिक भाषा। मुद्रा है यूरो। कुल क्षेत्रफल है 52,391 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है स्पेन। प्रमुख शहर है लिस्बन, फेरो, बेजा, सेंटारेम। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका रोमानिया। कौन सा? रोमानिया। इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। स्वतंत्रता मिली 9 मई 1877 ओटोमन साम्राज्य से पृथक करके। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है रोमेनियाई, आधिकारिक। मुद्रा है लैम। क्षेत्रफल है इसका 237,500 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बुल्गारिया, हंगरी, मोल्डोवा, सर्बिया, यूक्रेन। प्रमुख शहर है बुखारेस्ट, बकाऊ, ब्रासो। और धर्म है पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई। अगला देश है आपका रूस। इसकी राजधानी मॉस्को। स्वतंत्रता मिली इसे 24 अगस्त 1991 को। सोवियत संघ के विघटन के बाद। शासन प्रणाली है संघीय। भाषा है रूसी। मुद्रा है रूबल। कुल क्षेत्रफल है इसका 17,05,200 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अजरबैजान, बेलारूस, चीन, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, उत्तर कोरिया, लाटविया, लिथुनिया, नॉर्वे, पोलैंड, यूक्रेन। प्रमुख शहर है मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ओम्स, व्लादिवोस्टोक। धर्म है रूसी, परंपरावादी ईसाई मुस्लिम। प्रमुख अगला देश है आपका सैन मरीनो। इसकी राजधानी है सैन मरीनो। शासन प्रणाली है कि गणतंत्र। भाषा है इतालवी। मुद्रा है यूरो। कुल क्षेत्रफल है 61,2 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इटली। प्रमुख शहर है सैन मरीनो, सेराबिले, ला डोगाना। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका सर्बिया। इसकी राजधानी है बेलग्रेड। स्वतंत्रता मिली से 5 जून 2006 को। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है सर्बियाई, आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है सर्बियन दीना। कुल क्षेत्रफल है 88,361 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, गेसुडोनिया, मोंटनेग्रो, रोमानिया। प्रमुख शहर है बेलग्रेड, प्रेस्टीना, बोर, प्रोजोन। धर्म है सर्बियाई, परंपरावादी और ईसाई। यूरोप में अगला देश है आपका स्लोवाकिया। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 1 जनवरी 1993 को, चीकोस्लाविया से पृथक होने के बाद। यहाँ की शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र है। भाषा है स्लोवाक और हंगेरियन। जो स्लोवाक है ये आपकी आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है कोरोना। और कुल क्षेत्रफल है इसका 48,000
845 वर्ग किलोमीटर। इसके जो आपके पड़ोसी देश हैं, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, यूक्रेन। प्रमुख शहर ब्रातिस्लाव, सलाना, प्रसो, मार्टिन, लेविस। धर्म है ईसाई। बांग्लादेश आपका स्लोवेनिया। इसकी जो राजधानी है वो है लिजू वल्याना। स्वतंत्रता मिली से 25 जून 1991 को यूगोस्लाविया से पृथक होने के बाद। शासन प्रणाली गणतंत्र प्रकार की है। भाषा है स्लोवेनियाई। मुद्रा या उपयोग होती है यूरो। कुल क्षेत्रफल है 20,273 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, इटली। प्रमुख शहर हैं लिजूब, लिजाना, नोवा, नोवा गोरिका, बेलेंज। धर्म है ईसाई और मुस्लिम। बांग्लादेश है आपका स्पेन। इसकी राजधानी है मेड्रिड। शासन प्रणाली यहाँ संसदीय राजशाही। भाषा है कास्टिलियन स्पेनिश, आधिकारिक भाषा है। और दूसरी है केटेलन। मुद्रा यहाँ यूरो यूज होती है। और कुल क्षेत्रफल है इसका 5,04,782 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है एंडोरा, फ्रांस, जिब्राल्टर, पुर्तगाल, मोरक्को। प्रमुख शहर है बार्सिलोना और मैड्रिड। धर्म है ईसाई। बांग्लादेश है आपका स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही। भाषा है स्वीडिश। मुद्रा है क्रोना। कुल क्षेत्रफल है 4,49,964 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं फिनलैंड, नॉर्वे। प्रमुख शहर हैं स्टॉकहोम, किरोना, हेलसिंग, बोर्ग। और जो धर्म है आपका लूथर मतावलंबी है। ठीक है, फिर आपका स्विट्जरलैंड। यूरोप में बांग्लादेश क्या है? स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी है बर्न। स्वतंत्रता मिली 1 अगस्त 1991 को गणराज्य की स्थापना हुई। शासन प्रणाली है संघीय गणतंत्र। भाषा है जर्मन, फ्रेंच, इतालवी। ये दोनों आधिकारिक भाषा हैं। यहाँ जो मुद्रा यूज होती है स्विस फ्रैंक। कुल क्षेत्रफल है 41,290 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी। प्रमुख शहर है बर्न, ज्यूरिख, लुगानो, जिनेवा। धर्म है ईसाई। अगला आपका देश है यूक्रेन। इसकी राजधानी है कीव। कीव। और स्वतंत्रता मिली 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से पृथक होने के बाद। शासन प्रणाली गणतंत्र है। भाषा है यूक्रोनियन और रूसी। यूक्रोनियन यहाँ की आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है रियूनिया। कुल क्षेत्रफल है 6,03,700 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रूस, स्लोवाकिया। प्रमुख शहर है कीव, चार्नोबिल, पोल्टावा। स्थानीय परंपरावादी धर्म। अगला देश है आपका यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी है लंदन। शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही। भाषा है अंग्रेजी, स्कॉटिश वेल्स। मुद्रा है ब्रिटिश पाउंड। कुल क्षेत्रफल है यहाँ का है कुल क्षेत्रफल 2,44,820 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है आयरलैंड। प्रमुख शहर है लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल। धर्म है ईसाई। ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश वेटिकन सिटी पॉलिसी। इसकी राजधानी है वेटिकन सिटी। स्वतंत्रता मिली 11 फरवरी 1929 को इटली से पृथक होने के बाद। शासन प्रणाली है निरपेक्ष निर्वाचित चरसाए। भाषा है इतालवी, लेटिन, फ्रेंच। मुद्रा है यूरो। कुल क्षेत्रफल है 0,44 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे छोटा देश है आपका, याद रखना। पड़ोसी चारों ओर से रोम से घिरा हुआ है। प्रमुख शहर है आपका वेटिकन सिटी
और यहाँ धर्म है रोमन कैथोलिक। तो ये थे आपके प्रमुख यूरोप के देश और उनके बारे में प्रमुख तत्व। अब हमारे लिए यहाँ कुछ आपके यूरोप की राजधानी है और प्रमुख नगर। लंदन, यह टेम्स नदी के तट पर बसा यह नगर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यह महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। विश्व की प्रथम मेट्रो भूमिगत रेल सेवा प्रारंभ किया गया था लंदन में। ठीक है, अगला है आपका मास्को। क्या है मास्को? इसके मास्कोवा नदी के तट पर अवस्थित यह नगर रूस की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। मशीन, रसायन एवं हल्के उद्योग के साथ साथ यह एक वस्त्र उद्योग केंद्र है। यह नगर नहरों द्वारा बाल्टिक सागर, लाडोगा झील, आर्कटिक महासागर, काला सागर, कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है। अगला है आपका हेलसिंकी। यह फिनलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। यह उत्तर का स्वेद शहर के नाम से प्रसिद्ध है। यह खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, वस्त्र और धातु पदार्थों का महत्वपूर्ण केंद्र है। फिर आपका वारसा। यह विस्टुला नदी के तट पर अवस्थित यह नगर पोलैंड की राजधानी है। यहाँ रेशम वस्त्र उद्योग एवं अन्य वस्त्र उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है। अगला देश है आपका, अगली राजधानी क्या है? बर्न। यह स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यह नगर घड़ी निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका। यहाँ पर्यटन काफी विकसित है। आपका है एम्स्टर्डम। यह नीदरलैंड की राजधानी व औद्योगिक नगर है। यह देश का प्रमुख बंदरगाह भी है। हीरा, बहुमूल्य धातुओं तथा कला निधि के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। फिर आपका बेलफास्ट। यह नगर उत्तरी आयरलैंड की राजधानी तथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। लेनिन वस्त्र उद्योग व जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका रिकजाविक। यह आइसलैंड की राजधानी है। यह विश्व की उच्चतम उत्तरतम राजधानी है। यह देश का प्रमुख बंदरगाह भी है। यह जहाज निर्माण, वस्त्र और मछली प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आपका कोपेनहेगन। यह नगर आपका डेनमार्क की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है, जो जीलैंड द्वीप पर अवस्थित है तथा बाल्टिक सागर की कुंजी के उपनाम से प्रसिद्ध है। यह दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपका स्टॉकहोम। यह नगर बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित स्वीडन की राजधानी है। यह स्वीडन प्रमुख रासायनिक, प्रशासनिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। इसे सागर पर सौंदर्य के उपनाम से भी जानते हैं। फिर आपका लिस्बन। यह टेगस नदी के तट पर अवस्थित पुर्तगाल की राजधानी एवं बंदरगाह है। यह ऊन और ड्यूरो घाटी से प्राप्त शराब के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ड्यूरो घाटी अंगूर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर आपका ब्रुसेल्स। यह नगर बेल्जियम की राजधानी व प्रमुख नगर है। यह रेशम व सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह नाटो का मुख्यालय भी स्थित है। फिर आपका कीव। यह नगर यूक्रेन की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। यह बेहद औद्योगिक केंद्र है। वहाँ डोने टस्क से कोयला तथा क्रियाराग एवं कर्च से लौह अयस्क प्राप्त होता है। फिर आपका वीना। डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यह ऐतिहासिक भवनों, किलों व महलों एवं संग्रहालयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय भी है। फिर आपका डबलिन। यह नगर आयरलैंड की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। यह देश का प्रमुख बंदरगाह, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है। बुखारेस्ट। यह नगर रोमानिया की राजधानी व प्रमुख आर्थिक केंद्र है। यह बालकन का पेरिस की उपनाम से प्रसिद्ध है। यह ड्यूनूब नदी के तट पर अवस्थित है। फ्रैक्का ल्यू जाना। यह नगर स्लोवेनिया की राजधानी है व यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है।
सर्दियों में यहाँ बोरा नामक स्थानीय पवने चलती हैं। अगला हमारा निकोसिया, यह नगर साइप्रस की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ खाद्य प्रसंस्करण व मदिरा उद्योग का काफी विकास हुआ है। फिर आपका चिसिनाउ, यह मालडोवा की राजधानी व देश का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर आपका प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। फिर आपका सोफिया, यह नगर बुल्गारिया की राजधानी व देश का सबसे बड़ा नगर है। यह यूरोप के बालकन क्षेत्र का ऐतिहासिक नगर है। यह काले गुलाब हेतु प्रसिद्ध है आपका सोफिया। फिर आपका रोम, यह नगर टाइबर नदी के किनारे अवस्थित इटली की राजधानी। यह प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस, यह नगर सीन नदी के तट पर अवस्थित फ्रांस की राजधानी है। यह ऐतिहासिक भवनों एवं संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है तथा फैशन नगरी और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपका बर्लिन, यह जर्मनी की राजधानी तथा जर्मन का सबसे बड़ा शहर है। यह इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर तथा अलंकृत सामानों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रीगा, यह नगर लाटविया की राजधानी। यह पश्चिमी डबीना नदी के तट पर बसा है। यह यहाँ का प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक नगर भी है। प्रयाग, यह नगर बोहेमिया पठार पर अवस्थित चेक गणराज्य की राजधानी। यहाँ बियर पानी से सस्ता मिलता है। क्या है यहाँ, याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट है। बियर पानी से सस्ता मिलता है और यहाँ का राष्ट्रीय पेय भी है। यह ऐतिहासिक भवनों, किलों व संग्रहालयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपका एंथेंस, एंथेस, यह नगर ग्रीस की राजधानी व देश का सबसे बड़ा नगर है। यह प्राचीन नगरों में से एक है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक भवन एवं अवशेष हैं। यहाँ प्रथम ओलंपिक का आयोजन भी हुआ था आपका। मैड्रिड, यह नगर स्पेन की राजधानी है। यह सेंट्रल मसीटा पर अवस्थित वह देश का प्रमुख व्यावसायिक नगर भी है। यह ऐतिहासिक नगर सांस्कृतिक यह ऐतिहासिक नगर सांस्कृतिक और शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ कार, रसायन रसायन और इंजीनियरिंग उद्योग कारखाने भी है। बूढ़ापेस्ट, डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित अल्बानिया की राजधानी है। यह देश का सबसे बड़ा नगर व औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ शराब तथा जैतून तेल का बड़ी मात्रा में उत्पादन भी होता है। पर्याप्त तिराना, यह नगर एडियाटिक तट पर अवस्थित है, अल्बानिया की राजधानी है। यह देश का सबसे बड़ा नगर व औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ शराब तथा जैतून तेल का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। फिर आपका जागरेब, यह नगर क्रोएशिया की राजधानी व देश का सबसे बड़ा नगर भी है। यह खेल गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह छिनारी आल्पस पर अवस्थित है। यह रसायन इंजीनियरिंग सामान व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अवस्थित है। फिर आपका बाकू, कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित अजरबैजान की राजधानी देश का सबसे बड़ा नगर है। यह कैस्पियन सागर क्षेत्र से प्राप्त होने वाले खनिज तेल को साफ करने हेतु बड़ी बड़ी रिफाइनरी। फिर आपका रेवान, यह नगर आपका आर्मेनिया की राजधानी देश का सबसे बड़ा नगर है। यह फलों एवं अंगूर के बाग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका टिबलिसी, कुबान नदी पर अवस्थित यह नगर अवस्थित जॉर्जिया की राजधानी यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यह देश का प्रमुख आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र है। फिर आपका मिन्स्क, यह नगर बेलारूस की राजधानी व यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यह देश का प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक व औद्योगिक केंद्र भी है। फिर आपका ब्राटिस्लावा, यह नगर स्लोवाकिया की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। यह प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक व औद्योगिक केंद्र भी है। फिर आपका स्कोपजे, यह नगर मैसेडोनिया की राजधानी व यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ तंबाकू का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। यह कृषि उत्पादों का प्रमुख केंद्र भी है। ठीक है, अगला है आपका पोडगारिका, यह नगर मॉन्टीनेग्रो की राजधानी
देश का सबसे बड़ा नगर है। इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अंगूर का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। शीत ऋतु में क्षेत्र बोरा नामक ठंडी स्थानीय पवन से प्रभावित होता है। प्रयाग प्रिस्टीना यह नगर कोसोवी की राजधानी है तथा यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी। इसके आसपास काष्ठ भू आकृतियां मिलती हैं। सराजेवो यह नगर बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी बस यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यह एल्यूमिनियम रिफाइनिंग खाद्य प्रसंस्करण व जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। प्रयाग बेलग्रेड यह नगर डीन्यूब नदी के तट पर अवस्थित सर्बिया की राजधानी है। इस नगर के आसपास क्षेत्रों में भेड़ पालन होता है। यहाँ अंगूर का भी उत्पादन होता है। प्रयाग स्टुटगार्ट यह जर्मनी के दक्षिणी भाग में स्थित महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ से वाहन सर्जिकल सामान वाहनों के कलपुर्जों एवं घड़ियों का उत्पादन होता है। मर्सिडीज बेंज कारों की असेंबलिंग यहीं पर होती है आपकी। पर्याप्त का म्यूनिक यह जर्मनी का प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगर है। यहाँ बियर बाद यंत्र और फोटोग्राफी क्षेत्रों का यंत्रों का निर्माण होता है। कांस फ्रांस की भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित यह नगर विश्व प्रसिद्ध है। फ्रांस की फिल्म इंडस्ट्री यहीं अवस्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष कांस फिल्म समारोह होता है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दरिया का सी फील्ड यह ब्रिटेन का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह औद्योगिक नगर डर्बीशायर और नॉटिंगम शायर से कोयला प्राप्त करता है। पर्याप्त का सेंट सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सागर के प्रवेश स्थल पर अवस्थित रूस का लगभग 300 वर्ष पुराना शहर है। यह देश का सांस्कृतिक एवं औद्योगिक नगर है। इसका अत्यंत सामरिक महत्व है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का अंतिम पश्चिमी छोर भी है। पर्याप्त का व्लाडिवोस्टक उत्तरी प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित रूस का पूर्वी क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का पूर्वी छोर का अंतिम स्थान है। पूर्वी एशियाई रूस में मत्स्य चमड़ा माचिस और जहाज निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का यह नगर घड़ी व बैंकिंग सेवा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बेसल स्विट्जरलैंड का यह नगर राइन नदी के तट पर अवस्थित है। यही राइन नदी 90 डिग्री कोण बनाती हुई जर्मनी में प्रवेश करती है। यह दवा रसायन और सर्जिकल सामान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व के बेसल मानक जो मोटर वाहन प्रदूषण से संबंधित है इसी के नाम पर रखा गया है। पर्याप्त का मिलान यह पो नदी के तट पर अवस्थित इटली का महत्वपूर्ण नगर है। इसे इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह इटली का फैशन और फिल्म नगर भी है। यह वस्त्र उद्योग विशेष रूप से रेशम वस्त्र एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध है। पर्याप्त का फ्रैंकफर्ट यह जर्मनी का महत्वपूर्ण राइन नदी के तट पर अवस्थित है। यह रेल इंजीनियरिंग केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मोटर गाड़ियों और रासायनिक उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का मुख्यालय भी है। ट्यूरिन क्या है? ट्यूरिन इटली के लोम्बार्डी के मैदान में स्थित यह नगर इटली के डेट्रॉइट के नाम से प्रसिद्ध है। यह रेल के डिब्बों गाड़ियों और वायुयान के निर्माण केंद्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। पर्याप्त का वेनिस यह इटली का प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जो प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी रहा है। यहाँ नहरों द्वारा परिवहन काफी प्रचलित है। यह नौका निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच के बर्तन यहाँ निर्मित किए जाते हैं। यहाँ सुंदर सुंदर एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्च एवं भवन भी है। जेनेवा यह स्विट्जरलैंड का यह नगर व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय होने के कारण यहाँ का होटल उद्योग अत्यंत विकसित है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय भी है। यहाँ के बैंकिंग सेवा एवं घड़ियां विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, पोर्टो अगला कौन सा? पोर्टो यह नगर डिब्रो नदी के तट पर
तथा अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है। यह पुर्तगाल का महत्वपूर्ण पतन है। यह वाइन पोर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। बार्सिलोना भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित यह नगर स्पेन का प्रमुख बंदरगाह नगर है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु वाला शहर है। यह कार निर्माण, टेक्सटाइल और रसायन उद्योग का विकास हुआ है। फिर आपका बर्मिंगम या ब्रिमिंगम यह ब्रिटेन का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह लौह इस्पात उद्योग हेतु विश्व प्रसिद्ध है। यह औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ नगर है। हेमबर्ग अगला कौन सा है? हेमबर्ग एल्ब नदी के मुहाने पर अवस्थित यह जर्मनी का महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। जहाज निर्माण और समुद्री इंजीनियरिंग कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यह रसायन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। आपका कील नहर के पूर्व बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित यह जर्मनी का प्रमुख बंदरगाह नगर है। यहाँ जहाज निर्माण उद्योग अत्यंत विकसित अवस्था में है। यहाँ से डेयरी उत्पादन का निर्यात भी किया जाता है। फिर आपका ड्रेसडेन जर्मनी का यह नगर एल्ब नदी के तट पर अवस्थित है। यह चीनी मिट्टी की वस्तुओं व रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एंटवर्प यह बेल्जियम का महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। यह विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह में से एक है। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की मंडी है, जहाँ हीरे के तराशने का काम किया जाता है। डेयरी उद्योग भी यहाँ विकसित है। फिर आपका रोटरडम यह राइन नदी के तट पर अवस्थित नीदरलैंड का बंदरगाह है, जो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह ट्यूलिप के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नीदरलैंड का उच्च घनत्व वाला नगर भी है। फिर आपका ग्लासगो यह ब्रिटेन के पश्चिमी तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है। यह लौह इस्पात उद्योग और जहाज निर्माण उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए, ये थे आपके यूरोप के देश और उनकी राजधानियां, उनके जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे उन्हें भी हम लोगों ने देख लिया। लास्ट हमारा चैप्टर बचता है ऑस्ट्रेलिया के देश व उनकी राजधानियां। इसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? इसे कंप्लीट करने के बाद आपका वर्ल्ड मैप का जो भी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचता है हमारा इंडिया का कुछ हिस्सा, तो उसे हम लोग अलग से देख लेंगे, ठीक है?